नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज एक ऐसे महा उपाय के विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे जो आपकी किस्मत को चमका सकता है। जी हां, आज शुक्रवार का दिन है और एक छोटा सा महा उपाय वीकेंड यानी कि शुक्रवार जब आता है, सप्ताह का अंत जो है धीरे धीरे होने वाला होता है, तो ऐसे में आप सप्ताह के अंत होने से पहले एक छोटा सा खास महा उपाय अपनाकर आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। मित्रों, कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। आप स्वस्थ हैं, वही आपकी सेहत की पूंजी है, वही आपका धन है। तो ऐसे में आपकी पॉकेट में हमेशा पैसे बने रहें, आपकी पॉकेट कभी खाली ना हो, घर में धन धान्य की खूब वृद्धि हो, तो इससे आपका मन भी प्रसन्न रहता है। यही आज हम एक महा उपाय के तौर पर एक छोटा सा महा उपाय आपके साथ साझा करेंगे। मित्रों, यकीन मान के चलिए, वह छोटा सा उपाय अपनाने से आपको सालों साल धन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। कौन सा वो महा उपाय है वो आपको बताऊंगा, लेकिन आपके मन में कोई प्रश्न है, हमारी स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप अपने प्रश्न को साझा कर सकते हैं। चार महा उपायों की चर्चा भी होगी, दैनिक राशिफल भी साझा करूंगा, आपकी राशि के अनुसार कौन सा रंग आपके लिए बेहतर है आज उसी रंग का प्रयोग करना ताकि आपका कार्य बन जाए। मित्रों, शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र आपके समक्ष है, आप इसे नोट करिए। मित्रों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र को आप नोट करिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस महामंत्र का आज के दिन कमल गट्टे की माला से 108 बार जाप करने से आपको प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है। तो भाई, आज इस महामंत्र का अनुसरण जरूर करिए ताकि आपको लाभ अवश्य मिले। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। आज का शुभ समय आप नोट करें मित्रों, सुबह 7:30 से 9 के मध्य यह समय रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करनी है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जाना है, तो आप इस समय का लाभ उठा सकते हैं। ठीक इसके विपरीत होगा राहु काल, जिससे आप बचिए। सुबह 10:30 से 12 के मध्य यह समय है, किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करिएगा वरना नुकसान की संभावना अधिक होगी। तो मित्रों, विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि शुक्रवार के दिन की महत्ता क्या है, विशेषता क्या है। हमने आपको पहले ही कहा कि जैसे जैसे शुक्रवार की तरफ आप बढ़ते हैं, सप्ताह का अंत होने वाला होता है, लेकिन सप्ताह का अंत होने से पहले आपको एक महा उपाय अपनाना ही होगा मित्रों, जिससे आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो जाए। लेकिन उससे पहले जानिए शुक्रवार के दिन की महत्ता क्या है। देखिए, शुक्रवार का जो दिन है वो शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन देवी लक्ष्मी की उपासना करने से धन की प्राप्ति होने के साथ ही रोग नाश हो जाते हैं, रोग खत्म होने लगते हैं, परिवार से और जो आपकी फैमिली से जो धीरे धीरे बीमारियां हैं, जो अपना घर कर चुकी हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो भाई, भगवती की कृपा से केवल धन की प्राप्ति नहीं होती, रोगों का नाश भी होता है। तो मित्रों, शुक्रवार के दिन सुबह 7:30 से 9 के मध्य पीपल के वृक्ष की जड़ में शुद्ध घी का दीपक जलाने से और पीपल के पेड़ के साथ प्रदक्षिणा करने से देवी लक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहती है। शुक्रवार के दिन सुहागन स्त्रियों का या बड़ी बुजुर्ग स्त्रियों का आप सम्मान करें, छोटी कन्याओं का आदर करें, उन्हें कुछ उपहार स्वरूप खिलौना दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, उनकी कोई पसंद की वस्तु भी दे सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन सुहाग सामग्री दान करने से और महिलाओं के चरण स्पर्श करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। अब शुक्रवार के दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए, जरा यह भी जानना जरूरी है। शुक्रवार के दिन एक दिन पहले किए हुए इस्तेमाल कपड़े बिल्कुल भी ना पहनिए, यानी कि जब शुक्रवार का दिन हो तो बृहस्पतिवार के दिन पहने गए कपड़े आप उस दिन ना पहने। शुक्रवार के दिन अपने घर से चीनी या कोई सफेद सामग्री किसी को उधार ना दें।
शुक्रवार के दिन पैसों के लेन देन से भी आपको बचना चाहिए और इस दिन पैसा किसी को उधार ना दें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। शुक्रवार के दिन ही तामसिक और गरिष्ठ भोजन से आपको दूर भी रहना है। तो मित्रों, अब शुक्रवार का वो अचूक और सिद्ध महा उपाय आपके साथ साझा करते हैं जो धन की प्राप्ति आपको अवश्य कराएगा और भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको परिवार के अंदर महसूस अवश्य होने लगेगा। तो क्या करना है इस महा उपाय में? देखिए, शुक्रवार के दिन ही सुबह 7:30 से 9 के मध्य ये उपाय करना है। इसके लिए बहुत एक सरल सा छोटा सा उपाय करना है आपको मित्रों। एक गत्ता आपको ले लेना है। एक गत्ते को स्वस्तिक के आकार का आप काट लीजिए। ये आप किसी कैंची की सहायता से काट सकते हैं। उस गत्ते पर आप पहले आटे को गीला करके लगा दीजिएगा और उसके ऊपर आप गीले आटे पर नाग केसर को आटे सहित ही आप चिपका दीजिएगा और इसको सूखने के लिए धूप में आप रख सकते हैं। सूखने के बाद यह स्वस्तिक भगवती लक्ष्मी के सामने रखकर ओम श्रीम नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। अब यह स्वस्तिक अपने घर की उत्तर दिशा में ऊंचे स्थान पर आप लगा दीजिए, स्थापित कर दीजिए। प्रतिदिन धूप दीप दिखाइए स्वस्तिक को। शुक्रवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को कमलगट्टे की माला अर्पित करिए। नारियल की मिठाई का भोग लगाकर छोटे बच्चों में बांट दीजिए। यह छोटा सा उपाय आज के दिन करने से या किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन करने से यकीनन आपके घर में देवी लक्ष्मी का आगमन अवश्य ही होगा। मित्रों, ये आजमाया हुआ उपाय है, इसको आप करके देखिए, भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी और विशेष तौर पर परिवार से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो मित्रों, 4 महा उपाय आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा मेष वृष मिथुन का दैनिक राशि। मेष राशि, साझेदारी की समस्याएं थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करें, अपने घर को साफ सुथरा रखें। शुभ रंग गुलाबी। आज वट वृक्ष की सेवा करने से आपको अच्छी सेहत प्राप्त हो सकती है। वृषभ राशि, धोखा मिलने का योग बना हुआ है। निवेश के कार्य से आपको बचना है, यानी कि आज निवेश ना करें। रोगियों को दवा का दान करें। शुभ रंग गेरुआ। आज फल सब्जी का सेवन अवश्य करें। मिथुन राशि, व्यापारियों का समय काफी अच्छा है। पक्षियों को दाना अवश्य डालें। सभी लोगों का सम्मान करें। शुभ रंग नीला। आज माथे पर केसर का तिलक अवश्य करें। मित्रों, हमारे स्ट्रीमिंग के माध्यम से हरियाणा से विनोद जुड़ गए। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। और विनोद का प्रश्न है, क्या गुरुजी मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? कोई योग संयोग है या नहीं, कोई उपाय भी बताएं। देखिए विनोद, आपको बता दूं कि कर्क लग्न की आपकी पत्रिका और कुंडली के छठे भाव में सूर्य बुध की युति है। यहां पर शनिदेव गुरु के साथ हैं, लेकिन शनि नीच के हैं, तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति की जो संभावना है वो काफी कम है। अगर आप अपना कोई स्वयं का कार्य करें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज आप कोई प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ अवश्य होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन नमः शिवाय मंत्र का प्रदोष काल के समय 108 बार जाप करें और 7 से 10 रत्ती तक के मध्य शुद्ध एक मोती आप धारण कर लीजिए। आपका मन भी शांत रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आइए मित्रों, बात करते हैं पहले उस महाउपाय की जो धन की समस्या को खत्म करेगा। मित्रों, सुबह के समय पीपल के पेड़ की 7 बार कच्चा सूत लपेट कर आपको परिक्रमा करनी है और पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और मिश्री अर्पित करनी है। ऐसे में वहीं मिट्टी से तिलक लेकर अपने माथे पर तिलक करिए और गूगल की धूप वहां पर जरूर जलाइए। यह छोटा सा उपाय आज के दिन करने से यकीनन आपको धन लाभ हो सकता है। आइए जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशि। कर्क राशि, आस पड़ोस में आपके संबंध पहले से मधुर होंगे। घर की रखरखाव पर खर्च होगा, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंगे आसमानी। आज एक छोटा सा उपाय करिए, अपने घर के दर्पण को, मिरर को बिल्कुल साफ करें। सिंह राशि, परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। दोपहर बाद कोई कार्य ना करें, उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है। शुभ रंगे नारंगी। आज शिवलिंग पर एक बूंद इत्र अवश्य अर्पित करें। कन्या राशि, अचानक व्यापार में आपको लाभ होगा। फिजूल खर्ची से बचें, स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ रंग आपके लिए कत्थई। आज एक चांदी का सिक्का अपने पर्स में रख लीजिए।
मित्रों हमारे साथ बिहार से सुधीर जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका सुधीर जी। और सुधीर जी का प्रश्न जो है अपनी बिटिया को लेकर है कि बिटिया रानी का मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता, क्या उपाय करना चाहिए। बिटिया का नाम है ईशा कुमारी। देखिए सुधीर जी, आपको बता दूं कि जो इनकी पत्रिका है मिथुन लग्न की पत्रिका है, कुंडली के 12वें घर में चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग है। कुंडली के पंचम भाव का स्वामी शुक्र जो है वो अस्त है सूर्य से, तो ऐसे में आप इन्हें किसी भी धार्मिक स्थल पर माथा जरूर टिकाएं। आप अपने कुल गुरु देवी देवताओं के स्थान पर आप इनको ले जाएं, माथा टिकाएं और प्रतिदिन बिटिया के माथे पर शुद्ध केसर का तिलक करें। जब भी बिटिया रानी पढ़ने बैठे तो उसका चेहरा पूर्व दिशा की ओर रखें। मात्र ये छोटा सा उपाय करिएगा, अभी बिटिया बहुत छोटी है, ज्यादा उपायों की आवश्यकता नहीं। आइए मित्रों बात करते हैं दूसरे उस महाउपाय की जो आजीविका की तमाम समस्याओं को खत्म कर सकता है। मित्रों अपने किसी भी बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए, अपने किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए श्वेतार्क यानी कि सफेद आग के पौधे की जड़ को आप गुलाबी धागे से लपेट कर अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। यह छोटा सा उपाय आज के दिन करके देखिए, लाभान्वित अवश्य हो। आइए जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशि। तुला राशि, पुराने संबंधों से लाभ होगा, दोपहर तक समय अनुकूल नहीं है, माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए। शुभ रंग नारंगी, आज चावल का दान अवश्य करें। वृश्चिक राशि, परिवार पर अधिक क्रोध ना करें, सही समय पर आप अपने घर पहुंचे, दिन भर दौड़ भाग बनी रहेगी। शुभ रंग पीला, आज भगवान सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें। धनुराशि, दिन भर कहीं ना कहीं थकावट बनी रहेगी, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने प्रयास द्वारा आज अपने कार्य को बना ही लेंगे। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, आज केसर मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। आइए मित्रों बात करते हैं तीसरे उस महाउपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा करेगा। मित्रों अगर आप एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, आपके शरीर में कहीं ना कहीं स्फूर्ति नहीं रहती, तो भाई स्फूर्ति को बनाने के लिए सुबह के समय अनार का सेवन करिए, भीगी हुई अंजीर और बादाम का सेवन करना शुरू कर दीजिए, आप एकदम से अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आइए जानते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशि। मकर राशि, अपने गुरु से आदर से बात करें, घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। शुभ रंग आसमानी, आज पीपल के पेड़ के नीचे कम से कम एक चम्मच शहद अवश्य अर्पित करें। कुंभ राशि, सारा दिन स्फूर्ति बनी रहेगी, मित्रों के लिए समय अवश्य निकाल लीजिए, आज कोई छोटी यात्रा आप कर सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी, आज छाछ का सेवन अवश्य करें। मीन राशि, मन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, यानी कि परेशानियां खत्म होने का समय आ चुका है। मित्रों दोपहर बाद कहीं घूमने जा सकते हैं, अपनों पर गुस्सा ना करिएगा। शुभ रंग आसमानी, आज नहाने के पानी में एक चम्मच गुलाब जल अवश्य डालें। आइए मित्रों बात करते हैं चौथे और अंतिम उस महाउपाय की जो हर दुख परेशानी और संकट को हमेशा के लिए खत्म करेगा। अपने तमाम तरीके के दुख संकट परेशानियों को खत्म करने के लिए किसी भी समय हो सके सुबह दोपहर शाम आप आसन पर बैठ जाएं, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करें, देवी दुर्गा के 108 नामों का जाप आपको करना होगा। यकीन मान के चलिए आज के दिन इस उपाय को करने से हर नकारात्मक ऊर्जा से आप बच सकते हैं, हर दुख परेशानी संकट खत्म होगा। तो मित्रों आज हमने आपको बताया कि सप्ताह का अंत होने से पहले आपको एक महा उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिससे सारा वर्ष आने वाले वर्षों में भी आपको धन की कमी बिल्कुल ना हो। ये छोटा सा उपाय करने से यकीन मान के चलिए भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहेगा। और जब आप इस उपाय को करें मित्रों, तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इस उपाय को कर लीजिएगा, ताकि आपके घर में धन का अभाव बिल्कुल ना हो और बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। तो मित्रों आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। Thank you.